तो इस सेल के टाइम पे क्या आपको एक टैबलेट खरीदना चाहिए या फिर एक लैपटॉप? अगर आपका बजट कम है अंडर 30,000 है तो पहले टैबलेट्स यूज करने के बेनिफिट्स देख लेते हैं। प्राइस को देखते हुए बेटर डिस्प्ले मिलते हैं, टच स्क्रीन है, लॉन्गर बैटरी लाइफ एज कम्पेयर टू लैपटॉप, बहुत ही ज्यादा लाइटवेट एंड पोर्टेबल, एंड वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा भी बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप्स। एंड्रॉइड टैबलेट में प्ले स्टोर एंड आईपैड में एप स्टोर के आपको बहुत से एप्स देखने को मिल जाते हैं। अब लैपटॉप के भी बेनिफिट्स देख लेते हैं। अंडर 30,000 पे भी आपको i3 11th जनरेशन देखने को मिल जाएगा सेल के टाइम पर, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू टैबलेट्स के। मल्टीटास्किंग बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। साथ ही आपको इनबिल्ट कीबोर्ड, ट्रैकपैड एंड बहुत सारे पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं और विंडोज के सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। सो अगर कंक्लूड करें तो अगर आपका बजट बहुत कम है 15,000 के अराउंड है तो आप एक टैबलेट ले सकते हो, और अगर 30,000 तक आपका बजट जा रहा है तो आप एक लैपटॉप ले सकते हो। आप क्या प्रीफर करोगे इन दोनों में से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।